दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। जी हां दोस्तों, एक ऐसी जगह है जहां पर लोग जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर बने हुए मकानों में रहते थे। मित्रों, इस्लामिक देश होने के बाद भी यहां की मुस्लिम लड़के को अन्य धर्मों में शादी करने की छूट है। इसी के साथ बहुत सारी खास बातें हैं जो आज आपको इस देश के बारे में पता चलेंगी। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं एक बेहद ही खास और इस्लामिक देश की सैर पर, जिसका नाम है कि ट्यूनीशिया। मित्रों, विदेशियों को ऑफिशियली तौर पर ट्यूनीशिया गणराज्य कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक अरब राष्ट्र है। इस देश की सीमाएं उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में लीबिया और पश्चिम में अल्जीरिया से मिलती है। वहीं ट्यूनीशिया देश का क्षेत्रफल लगभग 1,55,360 वर्ग किलोमीटर है। ट्यूनीशिया के ऑफिशियल भाषा अरबी। दोस्तों, ये एक इस्लामिक देश है और ये अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं। ट्यूनीशिया राज्य की राष्ट्रीय मुद्रा यूरेशियाई दिनार है। आपको बता दें कि ट्यूनीशिया की राजधानी का नाम टूनीस है। ये सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ देश का आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। अरब देशों की लिस्ट में ट्यूनीशिया एकमात्र ऐसा देश है जहां मुस्लिम लड़कियों को अन्य धर्मों में शादी करने की छूट मिली। 2017 से पहले ट्यूनीशिया भी अन्य देशों की तरह था, जहां दूसरे धर्मों में शादी करने की छूट नहीं थी। ट्यूनीशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा 2017 में देश में नया कानून लाया गया। आज यहां की लड़कियां किसी भी धर्म में शादी कर सकती हैं और अपने जीवन साथी को अपने हिसाब से चुन सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों, दक्षिण ट्यूनीशिया में स्थित इस छोटे से गांव का नाम है मटमाटा। आम तौर पर जमीन के नीचे रहने वाले लोग पहाड़ों के पास दिखते होंगे, लेकिन यहां के लोग अपने घरों को जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर बनाते हैं। सबसे पहले गड्ढा खोदने के बाद वहां से गुफा जैसे कमरों का निर्माण होता है जिसमें मैं रहते हैं। इस तरह से खुले गड्ढे एक आंगन के रूप में देखते हैं। कभी कभी गड्ढे एक बड़े भूमिगत भूल भुलैया जैसे बन जाते हैं। आपको बता दें कि मटमाटा और ट्यूनीशिया के कुछ ऐसे ही शहर बलुआ पत्थर के एक सेल्फ पर स्थित है, जो हाथ के औजारों से खुदाई करके बनाए गए हैं, लेकिन यह मजबूत भी उतने ही दोस्तों जितने कमजोर आपको दिखते होंगे। कई सालों तक नुकसान नहीं होता। यहां के लोगों को बेबस कहा जाता है, जो 1000 साल से भी अधिक समय से इसी तरह से जमीन में घर खोद कर रहते हैं। इस देश में अभी पानी की बहुत दिक्कत है। सरकार ने फिजूल पानी खर्च करने पर सख्त मनाही कर रखी है। रिकॉर्ड सूखे की मार झेल रहे ट्यूनीशिया में लोग पीने के पानी का उपयोग सिंचाई और खेती के लिए नहीं कर पाए। यहां तक कि सार्वजनिक स्थानों पर लोग कार की सफाई भी पानी से नहीं कर पाते। अगर ऐसे करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, इसलिए यहां पानी को बहुत समझबूझकर यूज करना होता है। समस्याएं होने के बावजूद भी ट्यूनीशिया बहुत खूबसूरत है। अपनी हिस्ट्री, अपने ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, इसी के साथ अपने कल्चरल ट्रेडिशन के लिए जाना जाता है। गर्मी सूरज, रेगिस्तानी गर्मी और ठंडे मरुस्थल, खजूर के पेड़ और मसाले की सुगंध आपको यहां पर आने के लिए मजबूर करती है। यहां पर आप छुट्टियां बिता सकते हैं, रेतीले समुद्र तटों की सैर कर सकते हैं और एक बेहतरीन टाइम पास भी गया। इसी के साथ दोस्तों, ये देखने के लिए बहुत कुछ है। पवित्र मंदिर, शानदार कॉटेज, कोलोसियम, उमस भरा सहारा और ट्यूनीशिया के बहुत ही यादगार पर्यटन स्थल जहां पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, को जगह भी आपको घुमाते हैं। यह कार्थेज का प्राचीन शहर कॉटेज ट्यूनीशिया एशिया का सबसे प्रसिद्ध शहर है। वहां जाने के बाद आपके पास वास्तव में ट्यूनीशिया में देखने के लिए कुछ होगा। प्राचीन शहर के खंडहर अभी भी ट्यूनिस की खाड़ी के तट पर खड़े, जो उसकी भव्यता और इतिहास को जाहिर कर, अब तक दुर्भाग्य से इतिहासकार कॉटेज की उत्पत्ति के बारे में पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खुदाई हो रही है और इस शहर को एक खंडहर के रूप में पहचान मिली है। लेकिन यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, जहां पर बहुत सारे इतिहास के राज गड़े हुए हैं, जिसकी खोज लगातार हो रही है। दोस्तों, यह है एम्फी थिएटर, अविश्वसनीय। जी हां, संरक्षित रोम अवशेष ट्यूनीशिया का सबसे बड़ा दर्शनीय स्थान। दोस्तों, दीवारों का विशाल हिस्सा उत्तरी अफ्रीका में रोम के एक समय की शक्तिशाली पकड़ को बता रहा है।
तो बता रहा है कि यह देश कितना पावरफुल का इन अखाड़ों के नीचे गलियारों में आप चल सकते हैं। एमपी थिएटर की तुलना अक्सर रोमन कोलोसियम से की जाती है। हमने आपको कोलोसियम के बारे में बताया था, याद कीजिएगा। यह भव्य संरचना पहले से ही 2000 साल पुरानी है। रूस इतना पुराना इतिहास जानकर सी, इसलिए अगर आप इतिहास से प्यार करने वाले हैं ना तो आपको जगह बहुत अच्छी लगेगी। तो यह है सीदीबियो, बहुत खूबसूरत। सीदीबियो ट्यूनीशिया का सबसे खूबसूरत आकर्षण है। ये सफेद और नीले रंग का शहर है दोस्तों। ये एक चट्टान पर खड़ा है जिसके तल पर सागर है। जी हाँ, ऐसा लगता है किसी मूवी की शूटिंग चल रही है। ये इमारतें सफेद रंग और इसकी खिड़कियां, रूफ ड्रिल, सारी चीजें नीले रंग की हैं। अपने आप में यह बेहतरीन और रोमांटिक एक्सपीरियंस देता है। इसे आपने एक मूवी में भी देखा। जरा सोचो कौन सी है वो मूवी, बर्डो म्यूजियम राष्ट्रीय संग्रहालय। अगर आप इस देश के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको म्यूजियम जाना होगा। बर्डो संग्रहालय पुरातत्व का एक प्रमुख संग्रहालय है या पूरे देश में खुदाई हुई है, जिसकी अद्वितीय और मूल्यवान वस्तुएं यहीं पर रखी गई हैं। रोमन मोजाइक और अन्य कलाकृतियों के बारे में भी आपको यह जानकारी मिल जाएगी। 3000 वर्षों से भी अधिक पुरानी सभ्यताओं का इतिहास आपको यहां नजर आ जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। जब तक धन्यवाद।